नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। सरकार महिला सुरक्षा को लेकर लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। बताते चले कि ताजा मामला मुरादाबाद से सामने आया है, जहां पर एक 6 वर्षीय मासूम को हवस का शिकार बनाया गया। आपको यह भी बता दें कि इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में अभी जुटी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक, आपको बताते चले, मामला मुरादाबाद की बिलारी कोतवाली क्षेत्र के गांव असालतपुर का बताया जा रहा है, जहां पर एक 17 वर्षीय अजय नाम का आरोपी बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था, लेकिन उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और उस हैवान ने हद पार कर दी, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की अब जांच कर रही है। तो आपको बताते चले, जहां एक तरफ सूबे की सरकार को 4 साल आज पूरे हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जवाब देना पड़ेंगे। मैं आपको बताते चले, टॉफी दिलाने के बहाने आरोपी बच्ची को लेकर के गया था और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि स्थानीय लोगों को जब इस घटना की जानकारी मिली, तो उन्होंने युवक को पकड़ लिया। युवक की, आपको बता चले, उम्र जो है वो 17 साल बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बताते चले, सूबे की सरकार को आज 4 साल पूरे हो चुके हैं, जहां एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से क्राइम रेट उत्तर प्रदेश में कम होता जा रहा है, खास करके महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के लंबे चौड़े वादे किए जाते हैं सूबे की सरकार की तरफ से, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो हकीकत, जमीनी हकीकत क्या है, वो उसकी तस्वीरें साफ हो जाती हैं। तो 4 साल की तस्वीरें कैसी हैं, वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि लगातार उत्तर प्रदेश से ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। सबसे ज्यादा कानून उत्तर प्रदेश में है महिलाओं की सुरक्षा को अगर देखें तो, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी तस्वीरें हैं, खास करके बच्चियों और महिलाओं को लेकर के लगातार रेप के मामले उत्तर प्रदेश से सामने आते रहते हैं। तो एक सवालिया निशान कहीं ना कहीं सूबे की सरकार पर यहां पर खड़ा होता हुआ दिख रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है और वो कह रहा है कि 4 साल साल आखिर हुए कैसे। तो वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि शानदार है 4 साल, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, यहां पर रेप मर्डर की घटनाएं लगातार कम होती जा रही है। हालांकि जैसा कि हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि एनसीआरबी का जो डेटा है वो अपनी अलग ही कहानी बयां कर रहा है, लेकिन सूबे की सरकार के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सब कुछ उत्तम। आपको बता दें, मुरादाबाद से इस वक्त की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 6 साल के एक मासूम बच्ची के साथ जघन्य घटना को अंजाम दिया गया है। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया और उसके बाद आपको बताते चले, आरोपी फरार हो रहा था। हालांकि स्थानीय लोगों ने आरोपी को धर दबोचा और उसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, आगे की जांच जारी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि आरोपी भी नाबालिग बताया जा रहा है। 17 वर्षीय
इस नाबालिग आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो आपको बताते चलें, यहां पर आज 19 मार्च है और आज सूबे की सरकार को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन 4 साल की तस्वीरें क्या हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। लगातार आपको बताते चले, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 4 साल बेमिसाल का दावा किया है, लेकिन शानदार कितने हैं वो आप खुद देख सकते हैं। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ मुरादाबाद से हमारे संवाददाता दानवीर जुड़ चुके हैं। दानवीर, पूरी जानकारी चाहते हैं, क्या घटना है बताइए। देखिए पल्लवी, आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा मामला है जिसमें सरकार तमाम वादे और दावे करती है, तमाम महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम वादे किए थे और योगी आदित्यनाथ जी के आज सरकार के 4 साल पूरे हुए थे, जैसे ही वो 4 साल का दावा कर रहे तो उधर वो अपराधी उस घटना को अंजाम दे रहा था। यह घटना देखिए दोपहर 12 बजे की, आपको बता दूं, लेकिन जिस तरीके से कोत वाली बिलारी के क्षेत्र मात्र लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर यह गाँव है और इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है वो एक चिंताजनक है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, क्योंकि उस बच्ची को ले जाया गया दुकान पर से चीज दिलाने के बहाने, जैसे ही चीज दिलाने के बहाने उस अपराधी अपनी उठाकर अपनी गोद में ले जाता है, तो अपराधी अपने घर में उस बच्ची को ले जाता है और उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देता है। जैसे बच्ची के परिवार ने, बच्ची के परिवार ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई है? देखिए पुलिस की बात करें, मैं आपको बता दीजिए, इस तरीके से पुलिस की बात करें तो पुलिस लगातार इस मामले में बढ़ती थी, जब हम लोग घटना स्थल पर पहुंचे तो पुलिस गांव में इस तरीके से हर मोड़ की बात करें तो हर मोड़ पर पुलिस तैनात थी, और उस अपराधी की बात करें जो अपराधी था, लड़का था, इसे पकड़ा है तो उसे गाँव वालों ने पहले ही पकड़ लिया और खंबे से बांध रखा था, क्योंकि PRV 112 को फोन किया था तो कॉल की गई, लेकिन PRV 112 मौके पर नहीं पहुंच पाई, मौके पर हल्का इंचार्ज समेत अन्य पुलिस कर्मी घटना का जायजा किया। बच्ची को तत्काल ही 108 की मदद से अस्पताल भिजवाया गया और उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, उसके पास उसका मेडिकल हुआ है, फिलहाल अपराधी पुलिस की हिरासत में और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पंकज नड्डा बीजेपी के नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, शानदार 4 साल इस तरीके से। देखिए तरीका इसलिए 4 साल शानदार नहीं कहेंगे, जो हमने वहां पर सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किए हैं उसके विषय में कहा गया, ये तो किसी एक व्यक्ति की गंदी मानसिकता है। कम हुआ ये भी सूबे के मुखिया ने कहा ना, उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के ये कानून बनाए गए, वो कानून बनाए गए, हमने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के इतने सारे काम किए और ये तस्वीरें तो बहुत दरिंदगी की हैं, इसकी हम सब निंदा करते हैं। और बाकी हमारी विचारधारा जो है वो आपको पता है कि कन्याओं को, बहनों को, देवी को, माताओं को उस नज़र से देखने की है, ये तो एक किसी गंदे व्यक्ति की अपनी मानसिकता है, उसकी मानसिकता क्या 6 साल की बच्चे के साथ, हमें इस पर खुद बहुत शर्मिंदगी और बहुत दर्द है। 4 साल में आप लोग आरोपियों, खास करके अगर मैं कहूँ इस तरीके के जो लोग हैं, इनके अंदर डर नहीं बिठा पाए आप लोग, और ये कह रहे हैं कि उनकी मानसिकता इस वजह से उन्होंने किया, हमने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया। डर तो देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पता है कि आज के समय बनाने का काम डर तो उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी तरह के अपराधी आज जाने के लिए भी डरते हैं, अपराधी किसी भी तरह के उत्तर प्रदेश के अंदर जाने से डरते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर संरक्षण लेते हैं। वहाँ पे बैठ के ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं और आप दूसरी जगह जा रहे हैं। संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, तस्वीरें देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश की, क्या इन्हें शानदार 4 साल कहा जा सकता है? देखिए पल्लवी जी, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं ये डराने वाली हैं, और इसके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि स्याही सूख नहीं पाती अखबारों की, उसके पहले खबर आ जाती है बलात्कारों की। जिस तरीके की ये घटना है आए दिन हम लोग पढ़ते हैं, आए दिन देखते हैं, और इसके लिए जितनी सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है, चूँकि उन्हें अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाने चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार मैं हमारे सामाजिक ताने बाने को मानता हूँ, नैतिकता को मानता हूँ। हमारे घर की भी कुछ जिम्मेदारी है, हमारे बड़ों की भी कुछ जिम्मेदारी है, माँ बहन बेटियों की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को इस तरीके के संस्कार दें। वो संस्कार देने के लिए योगी जी नहीं आएंगे, हमें बताना पड़ेगा अपने बच्चों को कि ये तुम्हारी बहन है, इसकी कैसे इज्जत करनी है, ये तुम्हारा भाई है। तो ये चीज़ें हम आज की तारीख में हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं? आप उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, वो स्कूल से आता है, आप पूछते हैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन गई? तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, एक जो नैतिकता की कमी है उस नैतिकता की जिम्मेदारी भी हमें समझनी पड़ेगी। हाँ, सरकार का मैं फेलियर तब मानता हूँ
अगर कोई रेप को अंजाम देकर खुला घूमता रहे या उसको राजनीतिक संरक्षण मिले तो मुझे लगता है कि प्रशासन ने अपना काम किया। जैसे ही इस चीज को अंजाम दिया गया और वो कोई क्रिमिनल बंदा नहीं था, पहले से उसने ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया, इसलिए ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई भी नहीं किया जा सकता पल्लवी जी। लेकिन जरूरी चीज ये थी कि ऐसी घटना को अंजाम दे करके उसको खुला नहीं छोड़ा गया। आज की तारीख में जैसी आपकी सोर्सेज से हमें पता चल रहा है कि वो पुलिस हिरासत में है, तो सरकार का और प्रशासन का काम है जो भी गलत करे वो दंडित होना चाहिए, वो जेल जाना चाहिए, उसको कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। लेकिन संदीप चौधरी जी, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेप हुआ उसके बाद सजा दे देना, उसे गिरफ्तार कर लेना? यहां पर क्या सरकार की जवाबदेही खत्म हो जाएगी? ऐसे कानून, ऐसे एक्शंस क्यों नहीं लिए जाते हैं कि अपराधी इस तरीके के कृत्य करने से ही डरे, उनके मन में यह बैठ जाए कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ ये हो सकता है, इसलिए मुझे इससे दूर रहना है। देखिए पल्लवी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको बता दूं, डर है, जो हमारा कानून है इसका गलत करने का डर आपके दिमाग में है, गलत करने का डर मेरे दिमाग में, इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी आ जाती है। अगर युवक को यह पता होगा कि इसमें केस को करने के बाद आपके ऊपर कौन कौन सी दफा लगने वाली है, आपको कितने साल की सजा हो सकती है, तो मैं मानता हूं अवेयरनेस की कमी है। हमें अपने बच्चों को यह बताना चाहिए कि अगर आपने किसी को थप्पड़ मार दिया तो इसकी ये सजा है, अगर आपने किसी की बेटी को छेड़ दिया तो इसकी ये सजा है, अगर आपने किसी का रेप कर दिया तो उसके लिए ये सजा है। जब अवेयरनेस की कमी रहती है तो आप इस तरीके के जो हीनियस क्राइम है आप उनको अंजाम देते हैं। तो वही मैंने बताया, एक अपने घर की कमी है जो हमें अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, हमें अपने बच्चों को भी अवेयर करना पड़ेगा, उन्हें संबंधों की वो बतानी पड़ेगी, अहमियत बतानी पड़ेगी, माँ बेटी भाई बहन का फर्क बताना पड़ेगा, तो तब जाके हम अपना एक मजबूत समाज खड़ा कर सकते हैं। समाज के ढांचे में जो प्रॉब्लम है, समाज में अवेयरनेस की जो कमी है, उसको दूर करना हमारे समाज का कर्तव्य है, हमारे माँ बाप भाई बहनों का कर्तव्य है। ठीक है, संदीप त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, 4 साल बेमिसाल तो हैं, लेकिन ये तस्वीरें क्या कहती हैं उत्तर प्रदेश की? देखिए, एक सच्ची घटना के साथ मैं इस घटना को जोड़ना चाहूंगा। पहली बात तो इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय है और जितना इसको कुट की निंदा करता हूं और आशा करता हूं कि इस तरह की घटनाएं पर डिबेट करने का फिर अवसर मुझे ना मिले, ऐसी एसोसिएशन हो। लेकिन एक बात समझिए, इस सरकार की हालत ऐसी है, एक सच्ची घटना में बता रहा हूँ। एक हमारे जानने वाले थे, उनको पाइल्स की प्रॉब्लम थी, पाइल्स की प्रॉब्लम थी, वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से कहा कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो उन्होंने दवा दे दी। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि वो उसको मरीज को पता नहीं था कि उसको दिक्कत क्या है या इसे क्या कहते हैं, तो उसने डॉक्टर ने बताया कि ये तो आपको पाइल्स की दिक्कत है। तो वो उसने कहा नहीं, हमें पाइल्स हो ही नहीं सकता, पाइल्स है ही नहीं, पाइल्स का मतलब वो गलत अर्थ में ठीक नहीं भाई, हो ही नहीं सकता। ये दिक्कत बनी हुई है, तो डॉक्टर कहता है भैया पहले आप ये तो मानो कि आपको ये दिक्कत है। तो सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये मानने को नहीं तैयार है कि उत्तर प्रदेश आज जंगल राज में कायम हो गया है। उसी व्यक्ति की तरह या ये सरकार नहीं मानती है कि इस, ठीक है पंकज जी, आप लोग कह रहे हैं कि जंगल राज को हम खत्म कर रहे हैं और उत्तम प्रदेश बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन संदीप जी की बातें सुने तो उससे उलट हैं। पंकज जी देखिए, त्रिपाठी जी की बात सुनते मुझे इस बात, ठीक है संदीप जी मैं आपके पास आऊंगी, आंकड़ा रखिएगा। पंकज जी जवाब दे, बात ये सुन के मुझे अच्छा लगा था, उन्होंने कहा था कि इस तरह के विषय नहीं होने चाहिए ताकि हमें इस तरह के बहस में आना पड़े, लेकिन मैंने सोचा था कि वो एक अच्छी विचारधारा अपनी रखेंगे कि हमें मिलजुल करके जो है इस तरह के गंदी घटनाएं हैं उनको खत्म करना चाहिए। जैसे चौधरी साहब ने बताया था कि हमें हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है ये भावना पैदा करने की, रिश्ते को समझने की, गंदी मानसिकता को खत्म करने की। जंगल राज तो पीछे से चलता आ रहा है, जिसको सफाया करने में हमें इतनी मेहनत और इतना काम करना पड़ा और उस सब जगह आप पहुंचे हैं, सब जगह आप पहुंचे हैं। आप इस पर राजनीति ना करिएगा, आपने कहा था तो मैं आपके इस बात को लेकर बैठा था। जिस व्यक्ति ने इतनी छोटी लड़की के साथ बलात्कार किया उसकी मानसिकता कितनी गंदी होगी, उसी तरह की मानसिकता आप भी मत रखिए। जो व्यक्ति इस तरह की गंदगी कर रहा है उसकी एक गंदी मानसिकता है, उस मानसिकता के ऊपर आप मत चलिए, इसका विरोध कीजिए। हमारी सरकारों के अंदर सबसे सख्त से सजा दी जाती है, तुरंत अरेस्ट किया जाता है, भागने का मौका नहीं दिया जाता, चैनल पे चिल्लाने के लिए नहीं आते हम लोग। जब तक आप ये इस तरह के केस किसी भी पार्टी राजनीति के ऊपर दोषारोपण के लिए मसला है कि क्या 4 साल पूरे हो चुके हैं सूबे की सरकार को इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। दानवीर, बच्ची की अभी हालत कैसी है? बिल्कुल, देखिए मैं पहले तो जो बीजेपी पेट्रोल
होता है उनके पंकज जी उनके बात के जवाब देना चाहूंगा कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सर मैं आपको अभी हाथरस खंड रहा खोला पाए होंगे तरीके से हाथरस खंड पाए हुआ था, उसके बाद लगातार मीडिया में उसके पटवार वालों से मिलकर दिया आपके प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से लोगों ने 112 पर लगातार कॉल की लेकिन घंटों तक वहां पर कोई नहीं पहुंचा था, फिर ग्रामीणों ने ही उस आरोपी को पकड़ा और उसे बंधक बना लिया था। अब क्या कारण रहा, किस कारण से, कोई टेक्निकल बात रही, फोन मिला नहीं मिला, क्या फोन मिला, आप ये मत कहिए फोन मिला नहीं था, फोन मिला वो लोग पहुंचे नहीं। अगर ग्रामीणों ने मेरा है वो बता रहे हैं कि गया था कॉल वो लोग पहुंचे नहीं, अगर ग्रामीणों ने भी उसको पकड़ा तो सब हम सबकी जिम्मेदारी है, वो भी सिपाही है उत्तर प्रदेश के और जो पुलिस है तुरंत फिर वहां पर बेहतरीन तरीके से आप अपनी सरकार को बचा रहे हैं पंकज जी, जवाब दे, जवाब देना पड़ेगा, जवाब दे ही बनेगी। ग्रामीणों ने पकड़ा है आपकी सरकार, आपका पुलिस महकमा क्या कर रहा था, आधे घंटे तक ये बोला गया कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और उस आरोपी को पकड़ के रखा है और एक घंटे तक आप लोगों का पुलिस प्रशासन वहां पर नहीं पहुंचता है। ये सब भी जानते हैं कि हमारी सरकार इन सब मामलों में कोई ढिलाई नहीं करती है, बहुत सख्ती से काम करती है, इस बारे में सबको पता है, शासन प्रशासन किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं। संदीप त्रिपाठी से जवाब देना चाहते हैं। देखिए मुरादाबाद की घटना ले लीजिए, अभी थोड़े दिन पहले एक लड़की को रेप हुआ गन पॉइंट पर, उसके साथ रेप किया जाता है, उसके बाद उसको छत पर से फेंक दिया जाता है, ये जनवरी की घटना है। लेकिन पुलिस के पास जाता है व्यक्ति, उसके पिताजी भी पुलिस के पास जाते हैं, उसके परिजन पुलिस के पास जाते हैं, रेप की धारा उसमें शामिल ही नहीं की जाती, जब मीडिया में मामला जाता है तो रेप की घटना शामिल की जाती है। अब और मैं बता दे रहा हूँ, मुरादाबाद में ही 2 साल के बच्चे का, बच्ची तो छोड़िए आज बच्चे भी नहीं सिर पर, 2 साल के बच्चे के साथ रेप की घटना हुई। अब उसी मुरादाबाद में 7 साल के बच्चे के साथ रेप की घटना हुई, उसे मुरादाबाद में एक महिला मेला देखकर लौट रही थी, उस महिला के साथ ये सब पिछले वर्ष के लास्ट से लेकर अभी तक की घटना मैं बता रहा हूँ, 4-5 महीने के बीच की घटना है, ये सिर्फ मुरादाबाद की घटना है। आप कहते हैं वाह भाई रामराज आ गया, कैसा रामराज है, आपके रामराज में सीता जी का आज ये हरण हो रहा है, लगातार बहन बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, आप कह रहे हैं सब ठीक है। पंकज जी 4 साल बेमिसाल, लेकिन बेटियों की अस्मिता हो रही है तार तार। मेरे संवाददाता दानवीर ने भी यही कहा कि ये तस्वीरें ऐसी हैं जो लगातार सामने आती रहती है, उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए, मुरादाबाद से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती है, तस्वीरें कब बदलेंगी, डर कब बैठेगा। तस्वीरें बदलने में हम लोग लगातार लगे हुए हैं, मुझे तो लगता है इनको इस तरह के विषय पर बड़ी खुशी मिलती है, अगर राम राज्य आ जाएगा तो इनको खुशी नहीं है इस बात की राम राज्य आने से, ये भी तो उस राज्य के एक सदस्य होंगे, इनको तो फायदा होगा, इनको इस तरह के मुबारक नहीं, किस तरह का राम राज्य है मुबारक, इस तरह की राजकता फैलाने में कौन किस तरह के क्या मुद्दे ला रहे हैं, विषय की बात की बात होगी, आपको बहुत अच्छा लगता होगा, इस तरह के कामों में हमारी तरफ से कड़ी से कड़ी सजाए दी जाती है और हमारे ही राज्य में ये बिल्कुल शून्य हो जाएंगी, हमारे ही राज्य में बिल्कुल शून्य हो जाएंगी शासन काल में, आप देख लीजिएगा इसके पीछे किस तरह की आपको खुशी मिल रही है, आप उछल उछल के इन विषयों को बता रहे हैं और हम इसको सख्ती से खत्म करने में लगे हुए हैं और बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, ये वो राज्य नहीं रहेगा कि जब किसी इस तरह की कोई घटना होगी तो किसी की सुनवाई नहीं होगी, ये पीछे से जो आपके रास्ते चलता है ना गुंडा राज करो, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, पुलिस किसी तरह की FIR करेगी नहीं, नेताओं के फोन आ जाएंगे हमारे यहाँ इस तरह का, हम लोग जो है दूसरे प्रशासन शासन को कोई साहस नहीं देते हैं लोगों को, हमारे यहाँ कोई भी होगा गंदी मानसिकता का होगा, किसी पद पे होगा,
किसी राजनीति पार्टी से होगा उसको हम लोग तुरंत घसीट करके और सजा कर संदीप जी बात पूरी करिए। संदीप जी बात पूरी करिए। देखिए पल्लवी जी जिस संदीप त्रिपाठी जी बात पूरी करिए। संदीप चौधरी जी आपके पास आ रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाजपा के मित्र बताएंगे कि योगी जी के मुख्यमंत्री जी बनने के पहले कितने मुकदमे थे और प्रसाद जी के ऊपर कितने थे, आज कितने हैं, इसी का जवाब दे दें। इसी से मानसिकता पता चल जाएगी आपकी। आप जो है चिन्मयानंद स्वामी को गिरफ्तार नहीं करते हैं बल्कि उस लड़की को ब्लैकमेलिंग के चार्ज में बंद कर देते हैं। कुलदीप सेंगर को आप अंतिम समय तक बचाते हैं। एक बिरादरी होने के नाते हाथरस की घटना पर आप लीपा पोती महीनों लगातार वहां पर ना मीडिया को जाने देते हैं ना विपक्ष के नेताओं को जाने देते हैं। अंततः सीबीआई चार्जशीट दाखिल करती है और मुकदमा करती है बलात्कार हुआ है। आप कहते हैं बलात्कार ही नहीं हुआ है, आपका एसपी कहता है, आपका डीएम कहता है, सब कुछ खुल कहते हैं। बाद में आपकी सीबीआई कहती है कि भैया बलात्कार हुआ है। जब तक आपकी मानसिकता नहीं चेंज होगी अपराध से लड़ने के लिए और आप जाति कर जाति को देखकर अपनी पार्टी देखकर संरक्षण देते रहेंगे अपराध नहीं खत्म होगा। सपा और आप में कोई अंतर नहीं है। सपा में यादव राज था, ठाकुर राज है, क्या बात है, अंतर क्या रह गया। आज आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए जितने थाने हैं 80% थानों पर जो है एक विशेष जात के थाना अध्यक्ष की नियुक्ति है। क्यों है? आईएएस अधिकारी पर आप देख लीजिए लगभग 51 जिले में बड़े अधिकारी जो ठीक है। संदीप चौधरी जी आपसे इस पर प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उससे पहले दानवीर अभी की स्थिति क्या है? बिल्कुल देखिए पहले मैं आपको बता दूं जिस तरीके से लगातार जी अपने से दावे करते हैं। देखिए और झारखंड की अभी की स्थिति में आपको बता दूं कि इस समय पुलिस ने जो लिखित कार्रवाई है पूरी कर चुकी है पुलिस। लेकिन देखिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जिस तरीके से एसएसपी प्रभाकर चौधरी जी मौके घटना स्थल पर पहुंचे थे उसके बाद मैंने खुद कैमरे पर उनसे कुछ सवाल जवाब करने चाहे तो उनको बचते हुए नजर आए। क्योंकि देखिए एक तो इनकी सरकार की बात करें तो योगी सरकार में जो अधिकारी है उन्होंने अपना नियम बना लिया है, जो भी वाइट होगी अपने बनाएंगे ऑफिस से और वो पीआर चल में डाल देंगे, ग्रुप बना हुआ पीआर चल उसमें डाल देते हैं। क्योंकि एक कैमरे से मीडिया के कैमरे से बच्चों को नजर आती है, क्योंकि इनसे कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले जो मीडिया के सवालों पर ये जवाब ना दे पाए। क्योंकि देखिए ऐसा देखने मिला, मैं खुद घटनास्थल पर गया, एसएसपी प्रभाकर चौधरी मौके पर थे, मैंने कहा था दीजिए कुछ बता दीजिए घटना के विषय में, लेकिन कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ यही बता दिया कि आजकल ग्रुप में आ जाएगी बाइक और हत्या कर दीजिए। तो देखिए कहां का कानून है, क्या चीज है ये इन लोगों को सवाल खड़े होते हैं सरकार पर, आखिर इनके अधिकारी क्यों कैमरे से बचते हैं, क्यों इस घटना का जांच करने के बाद क्यों नहीं बताते? क्योंकि ये ठीक है। संदीप चौधरी जी क्या लगता है आपको, तस्वीरें बदलनी चाहिए या फिर आलाकमान कानून तो बना रहे हैं लेकिन उन पर अमल नहीं हो पा रहा है? चौधरी जी देखिए पल्लवी जी सबसे पहले तो मैं कांग्रेस नेता की बात पे आना चाहूंगा, इतना गैर जिम्मेदाराना नहीं बोलना चाहिए कि पहले यादवों की सरकार थी, यादव अधिकारी होते थे, फिर अभी राजपूतों की सरकार है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या राजपूत उत्तर प्रदेश के नहीं है या यादव उत्तर प्रदेश के नहीं थे? और ये चीजें टाइम टाइम पे बदलती रहती है, किसी ना किसी को प्रतिनिधित्व मिलेगा, वो किसी ना किसी जाति से किसी ना किसी धर्म से हो सकता है, और जिस पार्टी से आप आते हो उसमें भी आर एन सिंह जैसे बड़े राजपूत नेता है, तो ये बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना। आज हम बात कर बलात्कार की, आप मुझे ये बताइए हरियाणा के अंदर चंद्रमोहन बिश्नोई जो डिप्टी सीएम थे उन्होंने धर्म बदलकर एक लड़की से शादी की, क्या उसकी हत्या नहीं हुई? आप महिपाल मदेरणा को जानते होंगे जो राजस्थान में मंत्री थे, भंवरी देवी की किस तरीके से बलात्कार करके हत्या की गई, क्या वो कांग्रेस के नेता नहीं थे? और मैं कांग्रेस के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, समाजवादी पार्टी भी इससे बची हुई नहीं है। मैं आपको पल्लवी जी बताना चाहता हूं, अभी जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो प्रजापति जो उनके मंत्री थे उनके ऊपर बलात्कार का केस लगा, अखिलेश यादव ने आखिर तक उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन ये चीज खाली समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पे नहीं रुकती, जिस तरीके से अभी बीजेपी नेताओं के भी नाम लिए गए, तो ऐसे लोग हमारे समाज के अंदर तो है, हमारे पॉलिटिक्स के अंदर भी है, हमारे सिस्टम के अंदर भी है, तो चीजें हमें जड़ से खत्म करने के लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा। और इन चीजों पे जब राजनीति बंद होगी, जब हम अपने घरों में नैतिक शिक्षा देंगे अपने बच्चों को, तो वहां से ये बदलाव शुरू होगा। ये खाली कानून बनाने से या पुलिस को टाइट करने से या लोगों को गोली मार देने से
खत्म नहीं होगा। ठीक है, पंकज नड्डा जी जवाब दीजिए, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से लेना चाहती हूं। तो इनको यही चाहिए कि नैतिकता पैदा करें, ना कि ये इसके ऊपर राजनीति करें। पीछे से जो ये लोग करते आए हैं, सरकार तो हमारी है, वो तो पूरा काम कर रही है। देखिए ना, तुरंत उसको गिरफ्तार भी कर लिया है, सजा भी दी जाएगी। हम लोग तो इतनी कड़ी कार्रवाई में जल्दी से जल्दी जो करना चाहते हैं वो करते हैं। किसी तरह से छूट नहीं दी जाती हमारे यहाँ। लेकिन ये लोग पीछे से जो चलते आ रहे हैं, ये जो गिनवाते जा रहे हैं, इस जात के इतने, उस जात के इतने, ये ऐसे, ये वैसे, ये सब सामने आती हैं, तो राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां जरूर सेकने की कोशिश करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, और इसी के साथ जवाब देना पड़ेगा। मैं आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज़।